ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। गल करते हैं हरियाणा नगर काउंसिल ते नगर पंचायत चोणां दे नतीजां दी, जिसते कि अज नतीजे लाने जाणगे। सख्त सुरक्षा है, वोटां दी गिनती दा काम शुरू हो चुका है। सो हरियाणा नगर काउंसिल ते नगर पंचायत चोणां दे अज नतीजे लाने जाणगे, जिस नूं लैके वोटां दी गिनती दा काम शुरू हो गया। सुरक्षा दे विचकार वोटां दी गिनती दा काम जारी है। सवेरे 11 बजे तक तस्वीर साफ होण दी उम्मीद है। दस दिए कि 840 वार्डा के 3000 तो वध उम्मीदवार की किस्मत का फैसला जोड़ा है वह होएगा, और मनिया जा रहा है कि 11 बजे के करीब तक तस्वीर जड़ी है वो साफ हो जाएगी। भाजपा JJP गठजोड़ कांग्रेस से आप विचाले टक्कर है, जिसनों लैके वेखना अहम होएगा कि किसनों जित हासिल होंगी है। स्वाद सुरक्षा के विचकार वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया। हरियाणा नगर काउंसिल से नगर पंचायत चोणों के नतीजों का ऐलान अज होना है, जिसनों लैके वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। तो सब दिन नज़र टिकिया ने कि आखिर इन्हों नगर निगम से पंचायत चोणों किसनों जित मिलती है। सवेरे 11 बजे तक मनिया जा रहा है कि तस्वीर जड़ी है वह साफ हो जाएगी। 840 वार्ड ने जिन्हें 3000 तो वध उम्मीदवार जो अपनी किस्मत का उन्होंने फैसला होगा। दस दिए कि इन्होंने चोणों में भाजपा JJP गठजोड़ कांग्रेस से आप विचाले टक्कर वेखने मिल रही है। सो हरियाणा नगर काउंसिल ते नगर पंचायत चोणों के नतीजों का ऐलान जोड़ा है वो अज होना है, जिसनों लैके वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया। कुछ घंटिया बाद जी तस्वीर मनिया जा रहा है कि 11 बजे तक जोड़ा है तस्वीर साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगा कि किसके हक में फतवा जोड़ा दिता गया। कुल 840 वार्ड के 3000 तो बाद उम्मीदवार ने जिन्होंने अपना पूरा जोर लगाया इन्होंने नगर निगम से पंचायत चोणों में, दिलचस्प मुकाबला वेखन मिलेगा भाजपा JJP गठजोड़ अते कांग्रेस अते आप दे। अशोक साढ़े नाल इस वेले जुड़ चुके हैं, उन्होंने तो ताज़ा अपडेट लैने। अशोक, जिस नाल दिलचस्प मुकाबला जोड़ा है टक्कर देखने मिल रही होएगी भाजपा JJP गठजोड़ कांग्रेस से आप विचाले, वोटां की गिनती का काम शुरू हो गया है, की कुछ फिलहाल का रुझान नजर आ रहा? जी, अभी वोटों की जो गिनती शुरू हुई है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3, ये तमाम 2-3 वार्ड है, इनकी गिनती के परिणाम आ चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं शाहबाद मारकंडा की हैं, और तस्वीरें शाहबाद मारकंडा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 के परिणाम आ चुके हैं। कहीं ना कहीं परिणामों को लेकर जिस तरह से कहा गया था कि आखिरकार पूरी तरह से तैयारी होगी, हमारे साथ हैं प्रदीप गोयल जो राजनीति विशेषज्ञ हैं, तमाम चुनावों की कवरेज की है। प्रदीप जी, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 से क्या बताएं, कौन विजयी श्री रहा? वार्ड नंबर 1 से जो है MC के पद पर आपके राजेश उप्पल जो है जो जजपा से समर्थित थे वो जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से अजय तुषार जीते हैं, और वार्ड नंबर 3 से मीनाक्षी शर्मा जिनके परिवार के टेकचंद शर्मा 5 बार MC रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, उस परिवार ने बड़ी जीत हासिल दर्ज की। जी, आप सुन सकते हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के परिणाम आ चुके हैं। अब वार्ड नंबर 4, 5, 6 लगातार इस तरह से परिणाम आएंगे, और लगभग वो 11 बजे का समय होगा जब वोटों की गिनती पूरी हो चुकी होगी और जीत का सहरा किसके सिर सजेगा इसी को लेकर आज यहाँ पे तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो INLD हो या कांग्रेस पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो, भाजपा पार्टी, तमाम वो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए। आखिरकार 11 बजे का वो समय होगा हरियाणा प्रदेश में, और 11 बजे के बाद जो जीत के ढोल बजते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरह के नाल क्योंकि वोटों की गिनती का काम शुरू होया, लेकिन ये नतीजे जड़े ने यह भी तय करेंगे क्योंकि भाजपा जड़ा है JJP की गठजोड़ ली बहुत अहम होने वाले हैं नतीजे। जी, कहीं ना कहीं जो भाजपा और JJP का गठबोर्ड है, गठबंधन है, उसको लेकर भी बड़े नतीजे तय करेंगे, क्योंकि हालांकि दोनों लोगों ने जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर चुनाव लड़ रही है, और कई ऐसी सीटें हरियाणा प्रदेश में जहां पर उनके अकेला एक एक उम्मीदवार लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा की बात की जाए तो यहां से अध्यक्ष पद के लिए गुलशन कवात्रा है जो वो यहां से अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि यहां पर 2 वोटें डली हरियाणा प्रदेश में, अबकी बार एक अध्यक्ष पद के लिए, एक पार्षद पद के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा क्योंकि अध्यक्ष पद काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, जनता चुन रही है। इससे पहले क्या होता था, डायरेक्ट चुनाव होता था, पार्षद चुनते थे कि हमारा ये अध्यक्ष होगा, मगर अब की बार जनता को मौका दिया गया और जनता ही अपना अध्यक्ष चुन रही है। बिल्कुल, और बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये जड़ियां चोणा ने बहुत जड़ा है तय करन गया कि आने वाले समय में, क्योंकि भाजपा इस वेले सत्ता में है, उन्हां दे लई की सोच है, क्योंकि ये पर हालांकि चोणा लोकल जड़े मुद्दे उन्हां दे उपर ही जड़ी है जीती जाती है।
जी कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में 2024 के चुनाव होंगे उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और आने वाले चुनाव यानी कि जब 2024 का चुनाव होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा कि इसे कहा जा सकता है छोटी सरकार। छोटी सरकार ही आगे चुनने वाली जो बड़ी सरकार होगी 2024 की सरकार होगी उसको चुनेगी, क्योंकि 2024 में हरियाणा प्रदेश के तमाम कोने में चुनाव होने हैं और देखना होगा। बड़ा दिलचस्प रहेगा कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से आज चुनाव हो रहे हैं और उसके नतीजों के बाद क्या निकलता है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां हो, INLD हो, कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों का आज का जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं उनका आगे की रणनीति भी तय करेगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में आगे की रणनीति तय की जाए, दिशा क्या हो, आगे किस तरह से चुनाव लड़ने, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आगे पूरी तरह से मंथन होगा। बिल्कुल अशोक, खास तौर पर यह जिड़िया पंचायत चोणा होंदिया ने, नगर काउंसिल चोणा, ये क्योंकि बहुत नेड़ता दे नाल चोणा लड़िया जांदियां ने, हिंसा भी कई बार देखने को मिलती है नतीजा तो लैके, क्या इस तू लेके सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध किए गए ने? जी सुरक्षा की बात की जाए तो मैं इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ, देखिए यहाँ पर तमाम सुरक्षा के अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरह से ये जो वोटिंग सेंटर है यहाँ पर पूरी तरह से इसके अंदर वोटिंग चल रही है, हालांकि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर ASP करण गोयल हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सर आप हमें बताएंगे, चैनल सीधा पूछा है लाइव से आपके, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर आपके पुलिस के जवान तैनात हैं, CCTV मुस्तैद हैं यहाँ पर? सुरक्षा के बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम है, अच्छे से फोर्स लगी गई है, काफी कॉर्डन्स में फोर्स लगाई गई है। कन्या महाविद्यालय में ये काउंटिंग आज 8 बजे शुरू हो गई थी और 19 तारीख को जो पोलिंग हुई थी उसकी आज रिजल्ट आएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा के घेरे बने हुए हैं, नाके लगे हुए हैं शहर में जगह जगह पे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वॉयलेशन या किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन, प्लस अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में कोई आदमी करता है उसको संज्ञान लिया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर मोस्टली देखने में आता है कि चुनाव जीतने के बाद भारी भरकम जुलूस निकाला जाता है, इस दौरान काफी अव्यवस्था का दौर भी है, उसको लेकर खासतौर पे क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल अच्छी तैयारी है, सुरक्षा के दृष्टि से काफी जवान हमारे अच्छे से तैनात हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज घूम रही हैं, और आप सबसे सभी लोगों से ये अपील है कि जिस भी टाइप का परिणाम होगा उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको अच्छे से लें, और विक्ट्री मार्च होंगे, प्रोसेशन होंगे, उसको शांतिपूर्ण तरीके से करें, तो इस चीज के लिए हम लोग भी तैयार हैं और जनता से भी अपील है कि इसको एक अच्छे से उत्सव के तौर पे इसको मनाएं। जी आप सुन सकते हैं, ये ASP करण गोयल हैं, कुरुक्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए, चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात है। ये आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें वोटिंग सेंटर की है जहां पर वोट हो रही है, हालांकि इसके अंदर किसी को जाने का अलाउड नहीं है, जो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, फोन बाहर रखवाए गए हैं, फोन भी अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से यहां से परिणाम निकल रहे हैं, हालांकि अभी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के चुनाव का परिणाम आ चुका है, लगातार इस तरह से वोटिंग काउंटिंग जारी रहेगी और लगभग 11 बजे का वो समय होगा जब परिणाम पूरी तरह से साफ हो चुके होंगे और किसके सिर जीत का ताज सजता हुआ नजर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक फिलहाल दी सारी जानकारी ली। सो जिस तरह नाल चोण नतीजों का ऐलान होना है, गिनती शुरू हो चुकी है, 3 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं और मनिया जा रहा है कि 11 बजे तक तस्वीर मुकम्मल साफ हो जाएगी।